काका एयरफोन केटला नु एयरफोन और अभी हम जाने वाले हैं नज़दीक से, आपको पूरा मार्केट दिखाएंगे, सारी चीज़ें कितने भाव में मिलती है। जो आपको बाहर 500 में मिलेगा और वो यहाँ पे आपको सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा। तो चलो अब अपने मार्केट में चलते हैं। तो दोस्तों ये है अहमदाबाद का सबसे बड़ा और सस्ता मार्केट, जहाँ पे आपको ए टू जेड चीज़ें मिल जाएगी। और यह मार्केट सिर्फ रविवार को ही ओपन रहता है, इसलिए इस मार्केट का नाम रविवारी बाज़ार भी इसे कहते हैं। दोस्तों ये मार्केट एलिस ब्रिज साइड आया हुआ है, यहाँ से अभी मार्केट की स्टार्टिंग हुई है। आगे जाते जाते बहुत हमें भीड़ देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप रविवारी बाज़ार में ख़रीदी करने आते हो तो आप अपना मोबाइल और पर्स ज़रूर संभाल के रखना, क्योंकि इसे एक प्रकार का चोर बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पर कब आपका मोबाइल और पर्स चोरी हो के आपको सामने वाली दुकान या लारी पे बिकता हुआ मिलेगा वो आपको ही नहीं पता चलेगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। दोस्तों जो शेरडी का जूस का एक ग्लास बार 10 रुपये में बिकता है, वो इस मार्केट के अंदर आपको सिर्फ 5 रुपये में मिल जाएगा। तो सामने आप देख सकते हैं, ये है शेरवानी की शॉप, ये सिर्फ आपको 100 रुपये में ही मिल जाएगा। कंधे पे हाथ मत रख देना, ना ना इसीलिए तो आपके रखा है। भी मिल रहा है। अरे वो सब थोड़ी लेना है। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप पे, जहाँ पे हमको मोबाइल और टीवी, जो मोबाइल कीपैड का है, वो हमें 100 से 200 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिम के आइटम भी आपको देखने को मिल रही है, ये है डंबल, जो हमें दुकान के रेट में ही यहाँ पे मिल रहा है। ये लैपटॉप निकालो तो देखते चालू की नहीं। तो दोस्तों यहाँ से 100 से 500 रुपये तक की आइटम चालू होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामने मोबाइल तथा टीवी, ये सब चीज़ें 500 से लेके 100 रुपये के अंदर मिल जाएंगी आप लोगों को। मोबाइल निकालो, मोबाइल
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्राचीन काल की तथा वास्तुकाल की प्रतिमा एवं तांबे से बनी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सामने जो ये नारियल पानी दिख रहा है वो बाहर 50 से 60 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पर सिर्फ 20 रुपए में आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में कोई भी स्पीकर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी हुई है। चल।